Hello friends, welcome to the LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss in detail about the system calls. System calls kya hoti hain aur kitne type ki hoti hain. To sabse pehle system call ki definition kya hai ye dekh lete hain. System call basically provides the programming interface to the services provided to the OS. Operating system jo bhi function karta hai, फाइल को मैनेज करना हो, प्रोसेस को मैनेज करना हो, सीपीयू को मैनेज करना हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना हो, हार्ड डिस्क को मैनेज करना है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना है, किसी डिवाइस को मैनेज करना, कोई भी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप तो कोई काम कर नहीं सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर फंक्शन के लिए, हर मान ली कोई फाइल भी क्रिएट करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, मुझे कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, कोई प्रोसेस डिलीट करना है, कोई भी काम कराना होगा, हर पर्पज़ के लिए मैं क्या लिखूँगा, फंक्शंस लिखूँगा, ठीक है। और वो फंक्शन जो मैं लिखता हूँ, जब मुझे लेटर ऑन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन फंक्शंस को क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है। तो ये जितने भी काम है, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, या मेन मेमोरी को मैनेज करने से रिलेटेड कोई काम हो, मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है, मेमोरी स्पेस डी एलोकेट करना है, सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी है, कोई प्रोसेस क्रिएट करना है, कोई प्रोसेस डिलीट करना है, ठीक है, कोई प्रोसेस सस्पेंड करना है, सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है, वो आपने लिख लिए। किसको यूज़ करके लिखे आपने, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लिखे, C++। जब आप उनको यूज़ करोगे, ठीक है, आपने कोई भी जैसे प्रोग्राम बनाते हो, फंक्शन लिख लिया, जब उनको आप यूज़ करोगे तो आप क्या करते हो, उनको कॉल करते हो। जब आप उनको कॉल करोगे तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं, C++ में फंक्शन कॉल किया। ऐसे सिस्टम के लिए आपने हर प्रोसेस के लिए, हर फंक्शन के लिए, या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी काम करता है, हर चीज़ के लिए आपने छोटे छोटे फंक्शन बना के रख लिए। अब जैसे ही यूज़र को किसी काम को कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तुरंत क्या कराएंगे हम, उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे किससे रिलेटेड काम करता है, सिस्टम से रिलेटेड काम करता है, इसलिए उन फंक्शंस कॉल के नाम हमने क्या दे दिया, सिस्टम कॉल, क्योंकि ऐसे फंक्शन जिनका सिर्फ किसके लिए मतलब है, सिस्टम से रिलेटेड मतलब है, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, उनके लिए जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, वो सारे सिस्टम रिलेटेड फंक्शन है, उनको जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसका नाम हम क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं। लिखे किस में जाते हैं, ऑलरेडी जैसे हमने बताया C++ में लिखे जाते हैं, एंड दे प्रोवाइड ए वे फॉर द यूज़र प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द OS। यूज़र का प्रोग्राम आपने क्लिक किया कि मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, यूज़र ने तो क्लिक कर दिया, लेकिन करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कराना है, इंटरेक्ट कराना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब करेगा, जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा, जो आपने फंक्शंस लिख रखे हैं उस पर पर्टिकुलर फंक्शन, क्रिएट फोल्डर के लिए, क्रिएट डायरेक्टरी के लिए, क्रिएट फाइल के लिए, क्रिएट प्रोसेस के लिए, जो फंक्शन लिखा हुआ है, जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कोई काम करेगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो काम हैं उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने फंक्शन लिखा वो आपके सिस्टम कॉल्स हैं, ठीक है। तो वो जितने भी एप्लीकेशन हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कि हम सारे के सारे वो क्या करते हैं, जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं किसमें, सिस्टम प्रोग्राम्स में। तो जब भी सिस्टम को ज़रूरत पड़ेगी वो उन सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू ही इन सिस्टम कॉल्स को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंटरफेस आता है, जो सिस्टम प्रोग्राम और सिस्टम कॉल के बीच में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं। सिस्टम प्रोग्राम जब सिस्टम कॉल को इंस्ट्रक्ट करेंगी, ठीक है, तो कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे सिस्टम कॉल्स को, थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, ये विंडोज़ में Win32 कहलाता है API, लिनक्स, यूनिक्स और मैक OS में इसको POSIX API बोलते हैं, और जावा वर्चुअल मशीन में जावा API के नाम से यूज़ किया जाता है। किस किस टाइप की सिस्टम कॉल्स होती हैं, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, हर पर्पज़ के लिए आपको सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप देखें, प्रोसेस कंट्रोल और मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोसेस क्रिएट करना हो, प्रोसेस टर्मिनेट करना हो, हर पर्पज़ के लिए फंक्शन लिखा जाएगा और बाद में उसको कॉल किया जाएगा। इसको हमने क्या बोला, क्रिएट प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल, टर्मिनेट प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल,
ठीक है, उसके लिए आप ऑटोमेटिकली कोड बना के पहले से लिख देंगे सी सी प्लस प्लस में। ऐसे ही अगर प्रोसेस के एट्रीब्यूट पता करने हैं उसके लिए सिस्टम कॉल, प्रोसेस के एट्रीब्यूट को अपनी तरफ से सेट करना हो उसके लिए सिस्टम कॉल्स, प्रोसेस को एंड करना हो, अबॉर्ट करना हो, बीच में रोकना हो, लोड करना हो प्रोसेस को, ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, हर पर्पज़ के लिए सिस्टम कॉल आप लिखोगे। वेट इवेंट, किसी इवेंट को थोड़ा डिले करना है कि भाई अभी आप स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ी देर वेट करिए, उसके लिए भी आप क्या लिखोगे, एक फंक्शन लिखोगे, एक फिर उसके बाद में उसको कॉल कराओगे तो उसके लिए एक सिस्टम कॉल होगी। सिग्नल इवेंट, किसी इवेंट को एक्टिव करना है, चालू करना है कि हाँ भाई अब आप स्टार्ट हो जाइए, उसके लिए सिस्टम कॉल लिखी जाएगी। ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, इन पर्पस के लिए भी सिस्टम कॉल लिखी जाती है, फाइल क्रिएट करना हो, डिलीट करनी हो फाइल, ओपन फाइल करनी हो, क्लोज करनी हो, फाइल से रीड करना हो, राइट करना हो, रीपोजिशन करना हो, एक पोजिशन चेंज करनी हो फाइल की, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन, हर पर्पस के लिए आपको एक सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन बना के लिखा जाएगा। फाइल के एट्रीब्यूट पता करने हो, फाइल के एट्रीब्यूट अपनी तरफ से सेट करने हो, डिवाइस को मैनेजमेंट करना है, चाहे वो आपकी मेन मेमोरी है, चाहे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उन सब के मैनेजमेंट के लिए भी आपको रेफरेंस सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, डिवाइस को रिक्वेस्ट करना है या किसी डिवाइस को फ्री करना है जो कि रिमूवेबल अगर डिवाइस है तो, रीड करना है डिवाइस से, राइट करना है डिवाइस से, या रिपोजिशन करना है डिवाइस को, इनके लिए भी सिस्टम कॉल लिखी जाएगी। डिवाइस के एट्रीब्यूट पता करने हैं, ठीक है, डिवाइस के एट्रीब्यूट अपनी तरफ से सेट करने हैं, लॉजिकली अटैच करना हो या डिटैच करना हो, फिजिकली अटैच है मान लीजिए और लॉजिकली आप चाहते हो वो डिटैच हो जाए, तो उसके लिए भी आप सिस्टम कॉल्स लिख सकते हो। तो डिवाइस से रिलेटेड ये जितनी सारी सिस्टम कॉल्स है वो किस कैटेगरी में आती हैं, डिवाइस मैनेजमेंट में आती हैं। इसके अलावा अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता करनी है या चेंज करनी है तो आप इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हो, जैसे सिस्टम की डेट चेंज करनी है या पता करनी है डेट, या सिस्टम का टाइम चेंज करना है या पता करना है टाइम का है, तो उसके लिए गेट टाइम और डेटा, सेट टाइम और डेटा, ठीक है, गेट सिस्टम डेटा और सेट सिस्टम डेटा, यूज़र चाहे तो प्रोग्राम लिखकर सिस्टम कॉल लिखकर पता कर सकता है कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपनी तरफ से कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट भी चेंज भी कर सकता है वो सिस्टम के। इसके अलावा गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, फाइल एट्रीब्यूट और डिवाइस एट्रीब्यूट, फाइल डिवाइस और प्रोसेस के एट्रीब्यूट पता करना हो तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल लिखी जा सकती है, या उनको अपनी तरफ से सेट करना हो एट्रीब्यूट को तो उसके लिए भी अलग से सिस्टम कॉल लिखी जा सकती है। द लास्ट वन इज़ द कम्युनिकेशन, अगर जैसे हमने आपको सिस्टम प्रोग्राम में बताया था कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी किस में आते हैं, कम्युनिकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर क्रिएट करना हो कम्युनिकेशन, डिलीट करना हो कम्युनिकेशन, या कोई मैसेज सेंड करना है, कोई मैसेज रिसीव करना है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या दूसरे यूज़र के पास, या किसी भी रिमोट डिवाइस को अपने सिस्टम से अटैच करना है और अपना काम पूरा होने के बाद अगर उसे वापस डिटैच करना है रिमोट डिवाइस को, तो उसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम कॉल्स, हर काम के लिए जो फंक्शन लिखा जाएगा और फिर उसको बाद में कॉल किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सिस्टम कॉल्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टम कॉल्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।